हेलो दोस्तों, आज का सवाल है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसकी त्रिज्या यानी रेडियस, आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, यानी पूरे वृत्त का आधा ये अर्धवृत्त है। यानी अगर हम इसको पूरा ऐसे खींचे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो पूरे सर्कल का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है। तो ये वाला जब हिस्सा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। तो ये 2πr को 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी पाई आर होगा। इसमें पाई आर प्लस जुड़ जाएगा एक चीज इसमें, क्योंकि ये वाली लाइन पूरे वृत्त में नहीं थी लेकिन अर्धवृत्त में ये वाली लाइन है और ये सेंटर है। यानी ये क्या है, आपका व्यास है। यानी त्रिज्या का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या का दुगुना यानी 2r हो जाएगा। अगर हम सीधे यहाँ पर कर दें अर्धवृत्त का परिमाप, पूरे वृत्त का परिमाप 2πr, तो आधे वृत्त का अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 2πr का आधा कर देंगे। तो अगर हम इस तरह कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में ये वाली लाइन भी आती है जो कि व्यास है। तो ये चीज़ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप किसे कहते हैं, टोटल जो डिस्टेंस होता है उसी को परिमाप कहते हैं। और अगर हम इसको नहीं ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ब्यास है। तो इसीलिए हमें ब्यास को ऐड करना पड़ेगा। अब ये बराबर हो जाएगा 72 के। अब यहाँ पर आर दोनों जगह है तो आर कॉमन ले लिया जाएगा। तो आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 बराबर हो जाएगा 72 के। तो आर पाई का मान है 22/7 प्लस 2 बराबर 72 के। तो ये हो जाएगा R। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, इसका बटा हो जाएगा 1। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 हो जाए, 7 × 7 एक बार, 1 का गुणा 22 में करेंगे 22 ही आएगा। प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार की 7 आ जाए, 7 बार, 1 × 7 यानी 7 बार, 7 × 14 बराबर 72। तो ये हो जाएगा आर इंटू, दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 और 2 6 और 2 × 1 3 36 / 7 बराबर 72। तो R बराबर हो जाएगा 72। और ये जो नीचे है ये इसके गुणांक में चला जाएगा, और जो R के गुणांक में है वो यहाँ पर इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 36। 36 × 36, 36 × 72, तो ये बराबर हो जाएगा 7 × 14 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सही है पहला। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।